नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में त्योहारों को लेकर पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द। झारखंड में आने वाले त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मुद्दे को लेकर गृह सचिव अविनाश कुमार ने डीजीपी सहित पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के साथ गुरुवार को बैठक की। पुलिस मुख्यालय में एक दिन पहले हुई सभी जिलों के साथ डीजीपी की बैठक में सामने आए बिंदुओं पर उन्होंने विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने खुद को प्रदेश की विधि व्यवस्था के मुद्दे पर अपडेट किया ताकि शुक्रवार को प्रस्तावित मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में कोई कमी न रह जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी जिलों के उपायुक्तों, एसएसपी, एसपी के साथ बैठक करेंगे। वे त्योहारी सीजन में असामाजिक तत्वों पर नज़र रखने से लेकर भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने पर अधिकारियों से विचार विमर्श करेंगे। बता दें, जिलों की आवश्यकताओं से अवगत होंगे ताकि उसे दूर करने की दिशा में पहल की जा सके। राज्यपाल से मुख्यमंत्री ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। राजभवन के सूत्रों ने बताया कि यह शिष्टाचार मुलाकात थी। आमतौर पर मुख्यमंत्री बीच बीच में राजभवन आते हैं और राज्य में चल रही गतिविधियों और सरकार के कार्यों की जानकारी देते हैं। मुख्यमंत्री के राजभवन पहुंचने पर राज्यपाल के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने स्वागत किया और उनको राज्यपाल के कक्ष तक ले गए। सीएम के साथ प्रधान सचिव वंदना दादेल और सचिव विनय चौबे भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुष्प गुच्छा देकर राज्यपाल का अभिवादन किया। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। सीएम कुछ बिंदुओं को लेकर विस्तार से राज्यपाल को बताते नजर आए। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई। इससे पहले राज्यपाल और सीएम ने तस्वीरें भी खिंचवाई। राज्यपाल से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री खेलगांव में खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के लिए आयोजित राशि सम्मान समारोह में शिरकत करने के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री ने राज्य के खिलाड़ियों को किया सम्मानित। राज्य के खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को सम्मानित किया है और उन्हें सम्मान राशि भी दी है। बता दें, खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 19 खेलों के 222 खिलाड़ियों के बीच 4,46,20,000 रुपये और 52 खेल प्रशिक्षकों के बीच 48,30,000 रुपये की सम्मान राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की है। पुरस्कार स्वरूप सम्मान राशि पाने वालों में सबसे अधिक फुटबॉल के 55, हॉकी के 39, बुसु के 24, तीरंदाजी के 23, ताइक्वांडो के 17, कुश्ती के 13, लॉन बॉल के 11 और एथलीट के 11 सहित कुल 222 खिलाड़ियों को सम्मान राशि दी गई है। सीएम हेमंत को समन पर हाई कोर्ट में सुनवाई आज। ईडी के समन को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी। हेमंत का पक्ष रखने के बाद ईडी अपना पक्ष रखेगी। बुधवार को सीएम की ओर से कहा गया था कि उनके खिलाफ जमीन घोटाले में एक भी प्राथमिकी दर्ज नहीं है, बावजूद उन्हें समन भेजा गया, जो गलत है। ईडी ने समन तो भेजा है, लेकिन यह नहीं बताया है कि उन्हें आरोपी या गवाह किस रूप में समन दिया गया है। अदालत से समन रद्द करने का आग्रह किया गया है। बता दें कि जमीन घोटाले में ईडी ने हेमंत सोरेन को 5 बार समन जारी किया है। ईडी के समन को रद्द करने के लिए हेमंत सोरेन ने याचिका दायर की है। राज्य के प्रखंड साधन सेवी और संकुल साधन सेवियों की होगी ट्रैकिंग। झारखंड के प्रखंड साधन सेवी बीआरपी और संकुल साधन सेवियों सीआरपी की अब ट्रैकिंग होगी। यह ट्रैकिंग स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की ओर से की जाएगी। बीआरपी सीआरपी को अब स्कूलों का निरीक्षण करने के बाद स्कूल परिसर से ही रिपोर्ट भेजनी होगी। शिक्षा विभाग को शिकायत मिली है कि कई जगहों पर बिना निरीक्षण के ही रिपोर्ट भेजी जा रही है। वहीं कई स्कूलों की जांच के बाद घर या दूसरी जगहों पर जाकर रिपोर्ट भेजी जा रही है। इस पर अंकुश लगाने के लिए शिक्षा विभाग ने बीआरपी सीआरपी की ट्रैकिंग करने का निर्णय लिया है। बता दें कि झारखंड में 2937 बीआरपी सीआरपी कार्यरत हैं। उन्हें हर माह 10 से 15 स्कूलों का निरीक्षण करना रहता है। निरीक्षण के बाद शिक्षा विभाग की ओर से दिए गए फॉर्मेट को भरकर रिपोर्ट भेजनी होती है।
राज्य जिला स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकार गठित। झारखंड में पुलिस एक्ट में सुधार के लिए पुलिस शिकायत प्राधिकार नियमावली 2017 बनाई गई है। नियमावली में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत का प्रावधान किया गया है। सरकार ने राज्य और जिला स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकार बनाया है। प्राधिकार में लोग पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। प्राधिकार में एक अध्यक्ष, एक सचिव और 3 सदस्य रखे गए हैं जो शिकायतों को देखेंगे। सरकार की ओर से गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट के जानकारी दी गई। सरकार के जवाब से संतुष्ट हो अदालत ने जनहित याचिका निष्पादित कर दी। इस संबंध में जियाउल हक ने जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों में पुलिस एक्ट में सुधार करने एवं राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकार बनाने का आदेश दिया है। अदालत से सरकार को प्राधिकार बनाने का निर्देश देने का आग्रह किया गया था। ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए, मंत्री बन्ना गुप्ता। मोराबादी के लोहिया सभागार में गुरुवार को झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा का 5वां स्थापना दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता व पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास शामिल हुए। बन्ना ने कहा है कि जब भी जरूरत होगी समाज के साथ खड़ा रहूंगा। उन्होंने यह भी कहा है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। वहीं दास ने कहा है कि राज्य में वैश्य समाज की आबादी सर्वाधिक है, उसी अनुपात में अधिकार भी मिलना चाहिए। सभी उपजातियों को भी अपना संगठन चलाते हुए मोर्चा से जुड़ना चाहिए। कार्यक्रम को सांसद आदित्य साहू, विधायक नवीन जायसवाल, मोर्चा के अध्यक्ष महेश्वर साहू आदि ने भी संबोधित किया। इससे पहले वैश्य मोर्चा ने बन्ना व दास को चांदी का ताज पहनाकर सम्मानित किया है। हजारीबाग में रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट पर नक्सलियों का हमला। झारखंड के हजारीबाग जिले के कटमसांडी थाना अंतर्गत शाहपुर हेसा कुदर गांव में माओवादियों नक्सलियों ने गुरुवार तड़के लगभग 3 बजे रेलवे लाइन निर्माण कार्य में लगे 4 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। नक्सलियों ने घटनास्थल पर पर्चा भी छोड़ा है और वारदात की जिम्मेदारी ली है। माना जा रहा है कि लेवी की मांग को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि लगभग 12 की संख्या में नक्सली कठौतिया टोरी चंदवा रेल साइट के निर्माण कार्य स्थल पर पहुंचे। उन्होंने निर्माण कार्य में लगे 2 हाईवा, 1 प्लेन और पिकअप वाहन को जला दिया है। श्रीवास्तव गिरोह ने कोयला कारोबारियों से वसूले थे 50 लाख। झारखंड एटीएस की जांच में अमन श्रीवास्तव गैंग को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। जांच में पता चला है कि श्रीवास्तव गैंग से जो 50 लाख रुपए बरामद किए गए थे वे उन्होंने कोयला कारोबारियों से वसूले थे। बता दें एटीएस की जांच में अमन श्रीवास्तव गैंग की वसूली को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। 21 जुलाई 2023 को एटीएस ने रांची के कांके पिठोरिया रोड से श्रीवास्तव गिरोह के अपराधियों के पास से 50 लाख रुपये बरामद किए थे। जांच में पता चला है कि गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव ने कोयला कारोबारियों से 50 लाख रुपए वसूले थे। ई रिक्शा चालक के शव के साथ मेकॉन चौक जाम। ई रिक्शा चालक की मौत के बाद लोगों ने मेकॉन चौक जाम कर दिया है। लोगों ने शव के साथ मुआवजा और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग के लिए प्रदर्शन किया। बाद में पुलिस के समझाने के बाद उन्होंने जाम वापस ले लिया है। बता दें राजधानी के मेकॉन चौक के पास बस्ती के लोगों का हंगामा लगातार दूसरे दिन भी जारी है। ई रिक्शा चालक रामनाथ महतो की पिटाई से मौत से नाराज बस्ती वालों ने रामनाथ के शव के साथ मेकॉन चौक को जाम कर दिया। जाम की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और भीड़ को समझाने की कोशिश की। राज्य भर के कृषक मित्र कर रहे अनशन। झारखंड के कृषक मित्र 5 अक्टूबर से सत्ताधारी विधायकों और मंत्रियों के आवास पर धरना दे रहे हैं। उनकी 5 मांगे हैं जिन्हें लेकर वे प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें झारखंड प्रदेश कृषक मित्र महासंघ के बैनर तले राज्य भर के 14,000 से अधिक कृषक मित्र अलग अलग जिले में सत्ताधारी दलों के विधायकों के क्षेत्रीय आवास पर आमरण अनशन कर रहे हैं। वेतन मान की मांग कर रहे कृषक मित्रों का आरोप है कि कई तरह की सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने में सहायक की भूमिका निभाने के बावजूद सेवा के 13 वर्ष बाद भी उन्हें सिर्फ कॉपी कलम बैग के लिए प्रति माह सिर्फ 1,000 रुपये दिए जाते हैं। झारखंड प्रदेश कृषक मित्र महासंघ के अध्यक्ष शशि कुमार भगत ने बताया है कि राज्य के कृषक मित्र पिछले 13 वर्षों से KCC, EKYC, धान अधिप्राप्ति, किसान रजिस्ट्रेशन करना, आत्मा, कृषि विभाग, आपदा विभाग, पशुपालन विभाग, मनरेगा, चुनाव कार्य, सहकारिता विभाग, भूमि संरक्षण विभाग, मुख्यमंत्री फसल राहत योजना आदि जैसी
कामों को कराए जाते हैं। भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत 11 दिसंबर से दक्षिण भारत का करे भ्रमण। भारतीय रेलवे की ओर से देखो अपना देश के तहत भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत की जा रही है। यह एक स्पेशल ट्रेन होगी। इस ट्रेन के जरिए लोग दक्षिण भारत के धार्मिक स्थलों के दर्शन कर सकेंगे। यह ट्रेन 11 दिसंबर को मालदा टाउन से शुरू होगी और बिहार झारखंड उड़ीसा के विभिन्न स्टेशनों पर रुकेगी ताकि यात्री इसमें यात्रा कर सके। भारत गौरव ट्रेन के बारे में जानकारी देते हुए रांची पर्यटन प्रभारी ज्योति कुमारी ने बताया है कि इस ट्रेन में कुल 790 यात्री यात्रा करेंगे। 790 यात्रियों के लिए 3 श्रेणी में बोगियाँ बनाई गई है, जिसमें 7 स्लीपर क्लास और 3 एसी बोगियाँ बनाई गई है। एसी बोगी में भी 2 क्लास बनाए गए हैं, एक है स्टैंडर्ड क्लास और एक है कम्फर्ट क्लास। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम में झारखंड के 3 खिलाड़ी। 27 अक्टूबर से महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी की शुरुआत हो रही है। यह आयोजन झारखंड की राजधानी रांची में हो रहा है। भारतीय टीम की घोषणा भी हो चुकी है, जिसमें झारखंड की 3 खिलाड़ियों को चुना गया। बता दें, हॉकी इंडिया ने बुधवार को प्रतिष्ठित महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम में झारखंड के 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन झारखंड में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होगा। बता दें कि भारतीय महिला टीम ने हाल ही में हांगझोउ में 19वें एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था। अब एक नए टूर्नामेंट के लिए तैयार है। पूजा सिंघल के पति के सीए सुमन कुमार को मिली अंतरिम जमानत। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी झारखंड के निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से गुरुवार को अंतरिम जमानत मिली है। अब इस मामले में 6 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। आपको बता दें कि 7 मई 2022 को सीए सुमन कुमार सिंह को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 6 मई को झारखंड में पूजा सिंघल के 20 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी। कुर्मी को आदिवासी का दर्जा देने पर अर्जुन मुंडा का बयान। कुर्मी को आदिवासी का दर्जा देने का मुद्दा इन दिनों काफ़ी गर्म है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा समेत 5 राज्यों के कुर्मी इसके लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पिछले दिनों झारखंड बंगाल की सीमा पर हुए आंदोलन के दौरान 17 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। कोर्ट से सभी को जमानत मिल गई है, लेकिन कुर्मियों ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि अब जो आंदोलन होगा वह अब तक हुए आंदोलनों से कहीं बड़ा आंदोलन होगा। कुर्मी को आदिवासी का दर्जा मिले या नहीं मिले, इस पर भी अलग अलग मत है। आदिवासी इसके खिलाफ हैं तो कुर्मी इसे अपना हक मान रहे हैं। अपनी मांगों को मनवाने के लिए कुर्मी सड़क और रेल चक्का जाम कर देते हैं, तो आदिवासियों ने भी धमकी दे रखी है कि अगर कुर्मियों को आदिवासी का दर्जा दिया गया तो आदिवासी भी चुप नहीं बैठेंगे। झारखंड मौसम विभाग। झारखंड में मानसून की स्थिति कमजोर है। 1-2 दिनों में मानसून के राज्य से लौट जाने की संभावना है। पलामू प्रमंडल से मानसून लौट चुका है। मौसम विभाग की माने तो अभी बारिश के आसार नहीं है। दुर्गा पूजा में भी बारिश की संभावना नहीं है। मौसम साफ रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटे में झारखंड में मौसम शुष्क रहा, मानसून की स्थिति कमजोर रही। अपने पूर्वानुमान में मौसम विभाग ने बताया है कि 18 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहेगा। बता दें, झारखंड में 18 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहेगा। वहीं 16 अक्टूबर तक रांची और इसके आसपास के इलाकों में आसमान मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। 17 अक्टूबर को आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। मौसम विभाग की ओर से कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। झारखंड में मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का होगा आयोजन। झारखंड में मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता 2023-24 का आयोजन किया जाएगा। पंचायत, प्रखंड, जिला, जोनल एवं राज्य स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। पंचायत एवं प्रखंड स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं को लेकर रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने सभी वीडियो को निर्देश दिए हैं। खेल कैलेंडर 2023-24 के अनुसार निर्धारित तिथि के अनुरूप प्रतियोगिता कराने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि 1 नवंबर से पंचायत स्तर की खेल प्रतियोगिताएं कराने को कहा गया है। इसके तहत कुल 5 स्तर पर खेल कूद की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल 2023-24 के तहत इस वर्ष कुल 5 स्तर पंचायत, प्रखंड, जिला, जोनल एवं राज्य पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। एकलव्य विद्यालय में 10,500 शिक्षकों की होगी बहाली।
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने ठेठई टांगर प्रखंड के कर्रा मुंडा में जनजातीय बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का शिलान्यास किया। अर्जुन मुंडा ने अपने संबोधन में कहा कि आज एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का शिलान्यास हो रहा है। अच्छी सुविधा के साथ एक आदर्श विद्यालय में हमारे बच्चों को ज्ञान मिले, इसी उद्देश्य से भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय द्वारा लगातार प्रयत्न किया जा रहा है। इस स्कूल परिसर में कई खेल मैदान भी होंगे। कराई मुंडा में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का निर्माण लगभग 12 एकड़ में किया जाएगा। शिलान्यास के बाद मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में पढ़ने के लिए दिसंबर तक 10,500 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। गढ़वा में 5 दिनों तक बाधित रहेगी विद्युत आपूर्ति। भोगना डीह ग्रिड से 33 केवीए करकोमा फीडर तक मरम्मत कार्य के कारण लगातार 5 दिनों 12 से लेकर 17 तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। इस दौरान सुबह 9:30 बजे से अपराह्न 2 बजे 5 घंटे ही बिजली रहेगी। बता दें, विद्युत विभाग के SDO कमेश्वर ठाकुर ने बताया है कि गुरुवार से करकोमा 33 केवीए फीडर से भगोडीह ग्रिड तक लगातार 1 सप्ताह तक मरम्मत कार्य चलेगा। इस कारण करकोमा फीडर सुबह 9:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक शटडाउन में रहेगा। 7 नक्सलियों की संपत्ति कुर्क करेगी पुलिस। झारखंड पुलिस 1 करोड़ के इनामी नक्सली असीम मंडल उर्फ आकाश समेत 7 नक्सलियों की संपत्ति कुर्क करेगी। पुलिस के मुताबिक असीम मंडल उर्फ आकाश CPI माओवादी की सेंट्रल कमेटी का सदस्य है। सूची में उसके अलावा 15 लाख का इनामी पटमदा का राम प्रकाश मरांडी उर्फ सचिन, पश्चिमी सिंहभूम का श्याम सिंह सिक्कू, सरायकेला खरसावा जिले का बिरोन भी शामिल हैं। धन्यवाद।